शेड्स इंटरनेशनल क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम 4 जुलाई यूएस इंडिपेंडेंट डे के लिए क्राफ्ट करने जा रहे हैं। बनाएंगे सर्कल से हैंगिंग सर्कल, उसमें स्टार लगा के हैंगिंग सर्कल बनाएंगे। ट्राई कलर में यूएस के फ्लैग के तीनों कलर लेकर बनाएंगे। इस तरह से मैंने ये सर्कल काटे हैं, आप सब देख सकते हैं। इस तरह के 8-10 सर्कल काटे हैं, स्टार काटे हैं छोटे बड़े, इस तरह की स्ट्रिप्स काटी हैं और इस तरह की डोरी लेकर मैंने इसको इस तरह से मिलाया है। और एक छोटा सा कोई पेपर का पीस लेकर उस पर ग्लू लगाकर मैंने इस तरह से बना के रख लिए। ये इस तरह से ये बना कर रख लिए, इस तरह के थ्रेड बना के रख लिए। अब करते हैं स्टार्ट। मैंने स्केल पेंसिल लेकर इस तरह से देखे, इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, फ्लैग ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, इस तरह से ड्रॉ किया है। तो अब मैं इसके इस वाले प्लेन वाले हिस्से पर ये छोटे छोटे स्टार चिपकाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये चिपका कर रखे हैं, बस बड़ा कुछ नहीं किया है, ये स्टार चिपका कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर मैं इस तरह से ये लगाऊंगी ग्लू, और ये छोटे वाले ये वाली स्ट्रिप्स इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। देखिए इस तरह से लगा दें, फिर एक छोड़कर एक लगा दें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, फिर इसके बाद एक और लगा देंगे इस तरह से। नेक्स्ट वाले में इस तरह से हम ये लगा देंगे, देखिए इस तरह से। अब तीनों लगा दिए मैंने, अब तीनों मैं तीनों को सीजर से गोलाई से काट दूंगी इस तरह से। देखिए बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा तैयार हो गया। इसके पीछे हम ग्लू लगाते हुए ये जो भी हमने बनाया था इस तरह का ये लगा देंगे। देखिए जहाँ पर आपको लगता है अगर थोड़ा बड़ा हिस्सा है तो आप उसको थोड़ा सा काट सकते हैं। इस तरह से ग्लू लगाकर आप इसे पूरा पेस्ट कर दें। तो ये हमारा इस तरह से बड़ा सुंदर, देखिए इतना प्यारा तैयार हो गया। इसी तरह से मैं एक दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया, आप देख सकते हैं। इसके इस वाले हिस्से पर मैंने इस तरह से ये स्टार चिपका दिए, बस स्टार चिपकाया सीधे सीधे। तो फिर अब बीच वाले हिस्से पर जो मैंने लाइनें खींची हुई हैं वहाँ पर मैं ये स्ट्रिप्स लगाऊंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं ये स्ट्रिप्स लगाऊंगी। ये ग्लू है, थोड़ी सूख जाती है जल्दी। ग्लू जल्दी से सूख जाती है तो मैं फेविकॉल यूज करूंगी। अभी यहां पर ग्लू यूज करती हूँ और ये इसके ऊपर लगाएंगे स्ट्रिप्स। देखें इस तरह से, फिर इसके साथ वाले भी मैं ग्लू ही लगा लेती हूँ क्योंकि ना फेविकॉल बड़ी जल्दी सूख जाता है, वो ग्लू जल्दी सूख जाती है, फेविकॉल ठीक रहता है। देखिए यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप्स लगा दी इस तरह से, फिर यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप्स लगा दी। बड़ी आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में ये काम होता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा पीस ये लगाएंगे पेपर पर इसी तरह का। देखिए देखिए जब सारा लग जाता है तो आप इसको किनारे से पूरा इस तरह से गोलाई के साथ काट दें। देखिए ये देखिए कितना सुंदर फ्लैग तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया, आप दोनों देख सकते हैं, दोनों बड़े प्यारे बड़े सुंदर हैं। देखिए इसके पीछे भी हम इस तरह से ग्लू लगाते हुए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लगानी है ग्लू लगाते हुए हमने ये जो बना कर रखे हैं ये इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। तो ये हमारा देखें इस तरह से हैंग करने के लिए हो गया। ये दोनों अलग अलग डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद मैं दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। सपोज़ मैंने ये लिया है और मैंने इसके किनारे पर बस ये चिपका दिए, देखें ये चिपका दिए, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये सर्कल लेकर इसमें भी छोटे छोटे लगाए हैं, एक में वाइट एक में ब्लैक। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक में वाइट लगाया एक में ब्लू लगाया। देखिए इस तरह से हम इसे लगा देंगे, कितना सुंदर हो गया। ये टू साइडेड बनाएंगे, पीछे भी हम इस तरह से ग्लू लगाते हुए पीछे ब्लू लगा देंगे और आगे हमने रेड लगाया। देखिए तो यहाँ पर ग्लू लगाते हुए मैं वही ये बनाकर जो रखे हैं ये इसके ऊपर चिपका दूंगी इस तरह से। तो ये हमारा हैंगिंग पीस तैयार हो गया, दोनों तरफ से हम कर सकते हैं इसे यूज़। तो ये देखिए ये तीसरा डिज़ाइन है। इसके बाद मैं ये लूँगी, इस तरह से मैंने ये प्लेन लिया है, देखिए इसके किनारे पे मैंने इस तरह से ये लेते हुए ये मैंने लिया सपोज़,
और रेड स्केच पेन लेके मैंने इसके किनारे पर इस तरह से बीच में कोई भी ढक्कन जितना बड़ा आप लेना चाहते हैं उस तरह से लेके आपने इस तरह से किया, और इसके किनारे पर आपने इस तरह से मैंने ये चिपका दिए, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ग्लू लगाते हुए ये स्टार लगा दूंगी। ये भी लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं, देखें इस तरह भी लगा सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा, बड़ा सुंदर लग रहा है। इसी तरह से ये है, इसके अंदर हम ये लगा सकते हैं, देखें ग्लू लगाते हुए हम ये लगा देंगे, देखें बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर हो जाता है। देखें इसी तरह से ये है, मैं इसके पीछे ये लगा दूंगी तो टू साइडेड हो जाएगा ये, देखें इस तरह से। तो ये इसके पीछे भी हम अब उसी तरह से थ्रेड लगाएंगे, ये बना कर रखे हैं मैंने, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे लगाऊंगी, देखें इस तरह से। तो ये हमारा टू साइडेड हो गया, देख सकते हैं आप। तो ये एक देखें नेक्स्ट डिज़ाइन हो गया। फिर इसके बाद हम इसके पीछे हमने आगे कौन सा कलर लगाया है, ब्लू लगाया है। पीछे हम इस तरह से कोई रेड लगा देंगे, देखें रेड लगा देंगे ये, और इसके अंदर भी रेड के अंदर भी हम एक ब्लू लगा देंगे फ्लैग का साइन, देखें इस तरह से। देखें कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर भी हम कोई वाइट लगा देते हैं ताकि ये खाली ब्लू ब्लू ही ना लगे, देखें इस तरह से हम इसके अंदर लगा देंगे, देखें कितना प्यारा बना है। अब यहाँ पर हम ग्लू लगाते हुए वही इस तरह का जो हमने डोरी बना कर रखी है ये डोरी लगाएंगे इस तरह से, देखें। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब देखें ये नेक्स्ट डिज़ाइन। अब हम ये हमने लिया है, इसमें मैंने ब्लू सर्कल डाला है, ब्लू सर्कल डाल के मैंने ये रेड बनाया है, देखें ये रेड बनाया है मैंने, इसमें मैंने रेड लगा दिया इस तरह से, और इस तरह से मैंने ये ब्लू बनाया है, देखें ये इसका ब्लू बनाया है। एक में रेड स्टार है और एक में ब्लू स्टार है, एक में वाइट है, इस तरह से खाली, देखें खाली भी अच्छा लगता है ये, बहुत सुंदर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हम इस तरह से लाइंस भी डाल सकते हैं इस तरह से, अगर ये ब्लू है ब्लू, ये देखें इस तरह से हम लाइन डाल सकते हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी एक तरीका अच्छा लगता है। यहाँ पर भी हम ग्लू लगाएंगे और इस तरह से ये, इस तरह से ये थ्रेड लगा देंगे यहाँ, तो देखें ये भी दोनों तरफ से कितना सुंदर हो गया, दोनों तरफ से प्यारा बना ये नेक्स्ट डिज़ाइन। अब देखें ये है, इसके किनारे पर बस मैंने ब्लू स्टार लगाए हैं और इसके अंदर मैं इस तरह से ग्लू लगाते हुए ये स्टार लगाने जा रही हूँ, देखें इस तरह से। अब इसके पीछे मैं यहाँ पर रेड स्टार लगाऊंगी ये वाला इस तरह से, और इसके अंदर भी हम छोटा सा कुछ लगा देंगे, जैसे वाइट स्टार लगा देंगे, देखें ये वाइट स्टार मैंने लगा दिया, और इसके किनारे पर हम इस तरह से ग्लू लगाते हुए ये वाले रेड लगा सकते हैं स्टार, देखें ये, देखें रेड स्टार मैंने इस तरह से लगा दिए, आप भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप सारी यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते हैं, देखें इस तरह से, यहाँ बीच में भी लगा सकते हैं। कितना आसान है, कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ बीच में हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर ये वाला थ्रेड लगा देंगे, ये देखिए। इसकी थोड़ा कागज़ काट देती हूँ क्योंकि जगह यहाँ कम है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से ये चिपका दूँगी, फिक्स कर दूँगी। तो देखिए ये कितना सुंदर है दोनों तरफ से, देखिए इधर से भी इधर से भी। तो ये एक डिज़ाइन ये हो गया, एक डिज़ाइन ये हो गया। अब ये एक डिज़ाइन हम ये बनाते हैं, इसमें हमने वाइट लिया हुआ है, वाइट सर्कल लिए हैं, वाइट सर्कल पे मैंने रेड लगाए हैं, देखें, और इधर मैंने वाइट सर्कल पर ब्लू लगाए हैं, ये देखिए ये ब्लू है इस तरह से। तो ये अपने आप में ही बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा है। बाकी हम चाहें तो सभी के तरफ स्टार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लू लगाते हुए मैं ये डोरी यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से, तो देखें ये हमारा नेक्स्ट तैयार हो गया। हम चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से लाइन्स डाल सकते हैं, बहुत सारी, तीन चार लाइन डाल सकते हैं अलग 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 कलर की, देखें इस तरह से। ये लाइन डाल दी हमने, हम चाहें तो लाइन के ऊपर इस तरह से लाइनें भी डाल सकते हैं, देखें कितना अच्छा हो जाएगा ये।
आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, उधर लाल लाइनें खींच सकते हैं, इधर ब्लू खींच सकते हैं। तो आपने देखा ये इस तरह से कितने सुंदर से आपने बहुत सारे डिज़ाइन सीखे, सारे डबल डबल हैं अलग अलग तरह से। तो आपने देखें कितना सुंदर ये बना है, कितने सुंदर बने आप देख सकते हैं। गुड लक, आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए।